हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीवी का लिया हुआ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ये पेपर है, और इसमें आज हम आपको कराएंगे इंग्लिश, यानी जितनी भी इंग्लिश इसमें इंग्लिश है वो आज आपको यहाँ पर रूल्स के साथ साथ यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको कराऊंगा। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसे ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का कंप्लीट पेपर ले सकते हैं, इंग्लिश के साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट उसमें आए थे वो सारे के सारे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास को, और ये थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं। और तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 से कि सिलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन टू कम्प्लीट द सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में हमें डिग्री बनाना है। सेंटेंस है कोलकाता इज डैश देन मैनी अदर सिटीज, यहाँ पर हमें फिल करना है बिग, बिगर, बिगेस्ट या मोर बिगर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये लगा हुआ है देन प्रपोजिशन, और जिस सेंटेंस में ये देन होता है ये आपकी है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाएगा आपका बिग का बिगर। ओके, अब यहाँ पर दो तरह से दिया हुआ है बिगर और मोर बिगर, इन दोनों में से क्या होगा तो मैं आपको बता दूं कि जो बिग आपका एडजेक्टिव है ये वंशलबी वर्ड है, इसलिए इसमें केवल ER लगा के बनाया। जो जिस एडजेक्टिव में दो या दो से ज़्यादा सलबी होते हैं उसमें हम मोर या मोस्ट लगा के सुपर कंपरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 17, एंड सेंटेंस नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर ये बताना है कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। सेंटेंस है व्हाट हैज मीरा फाउंड, व्हाट डिड मीरा फाइंड, व्हाट डिड मीरा फाउंड एंड व्हाट विल मीरा फाइंड। तो सबसे पहले देखें सेंटेंस हैज एंड आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का राइट है। सेकंड है व्हाट डिड मीरा फाइंड, तो इस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड व्हाट डिड मीरा फाउंड, तो ये डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, यहाँ पर लगा हुआ है आपका सेकेंड फॉर्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका सी, यानी ये सी आपका सी यहाँ पर पूछा जाएगा कौन सा सही नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, और ये तीन जो सेंटेंसेज हैं ये आपकी राइट हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर सिलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस में हमें फिल करना है सही प्रपोजिशन। ओके, सेंटेंस है माई क्लास टीचर प्रेफर्स कॉफी डैश टी, तो यहाँ पर यूज करना है टू, इन, विद या ऑन में से। तो याद कर लीजिए दोस्तों, प्रेफर, प्रेफर के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आता है, प्रेफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, एस्टीरियर टू, इन सब के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर टू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वो है 19 नंबर का, पिक आउट द ओल्ड वन, यहाँ पर ओल्ड वर्ड बताना है कौन सा ओल्ड है, मध्य प्रदेश, बिहार, इंडिया एंड पंजाब। तो देखिए मध्य प्रदेश क्या है, एक स्टेट है, बिहार भी एक स्टेट है, इंडिया कंट्री है एंड पंजाब स्टेट है। तो यहाँ पर जो ओल्ड वर्ड है वो है आपका इंडिया, क्योंकि ये कंट्री है, और तीन जो ऑप्शन है वो है आपके स्टेट। चलिए आगे देखते सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20 है, एंड सेंटेंस नंबर 20 में है सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राफ्ट, क्राफ्ट का बताना है प्लूरल फॉर्म। तो रूल है कि जब भी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ही होता है तो नॉर्मली उसमें एफ या एफ ही को हम हटा करके BES लगा के प्लूरल बना देते हैं। तो इस सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। दोस्तों, आप भी यहाँ पर कमेंट करते जाइए, और लास्ट में आप अपना स्कोर देखिए कि कितना हुआ है, और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 21, एंड यहाँ पर है चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर जो इसके लिए वन वर्ड बताना है, और आप पढ़ते हैं इसमें क्या है, एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाई मैन, यानी एक ऐसी वाटर बॉडी जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल, सी, रिवर या ओशन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका ए, क्योंकि जो वाटर बॉडी बनाई जाती है मनुष्य द्वारा वो है स्विमिंग पूल, और रिवर्स, सी एंड ओशन आपके नेचुरल हैं। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 22, एंड यहाँ पर है एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू, कंटिन्यू का बताना है अपोजिट वर्ड, कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना, स्टिल, एंड यहाँ पर है रेगुलर, डिसकंटिन्यू, अप्रूव या नन ऑफ द एबव।
तो इस सेंटेंस में जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, यानी डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू का अपोजिट। नेक्स्ट है द साइलेंट लेटर इन द वर्ड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में साइलेंट बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका वर्ड है ना ऑनेस्ट, ये इसका प्रोनंसिएशन ओ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जो साइलेंट लेटर होगा वो होगा आपका एच ऑनेस्ट में। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस आपकी 24 एंड 24 में है द राइमिंग वर्ड फॉर बिग, बिग का राइमिंग वर्ड बताना। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जिनके साउंड सिमिलर होते हैं, जैसे बिग बैड नो, बिग रेड, बिग डिग, तो बिग और डिग का जो राइमिंग वर्ड है वो सेम है, स्टॉप भी नहीं हो रहा इसका। तो 24 का जो राइट ऑप्शन हो रहा वो होगा सी, यानी बिग का राइमिंग वर्ड डिग होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का अपोजिट जेंडर बताना है। हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा होता है, और जब इसके अपोजिट जेंडर की बात करें तो इंग्लिश में आपका हॉर्स का हो जाएगा मेयर। ओके नेक्स्ट है 26 नंबर में बर्निंग इश्यू। अब यहां पर देखते हैं बर्निंग इश्यू का मीन्स क्या होता है। ऑप्शन है अनवांटेड टॉपिक, पेनफुल टॉपिक, यूजलेस टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बर्निंग इशू का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, कि बर्निंग इशू वो इशूज होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 27, यहाँ पर है ही इज नॉट अ फेमस पर्सन इज डैश सेंटेंस, कि वह एक फेमस पर्सन नहीं है, ये बताना है सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, इंट्रोगेटिव है, नन ऑफ द एबव है। तो इस सेंटेंस में लगा हुआ है नॉट, तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि ए, यानी ये एक निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 28 है, यहां पर है सिलेक्ट द सुटेबल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहां पर वर्ब का प्रयोग करना है। रहीम डैश वॉचिंग टीवी, ऑप्शन है हैज हैड वर वॉच। तो यहां पर हम ध्यान से देखें आपकी जो मेन वर्ब है उसमें लगा हुआ है आईएनजी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो इससे पहले हम वाज या वर्ब में से यूज हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बाद आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। रही में आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राइट ऑप्शन हो रहा आपका डी, यानी यहां पर वाज का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वो है चूज द सुटेबल आर्टिकल डिटरमाइनर टू कंप्लीट द सेंटेंस, यहां पर आर्टिकल या डिटरमाइनर बताना कौन सा यूज करना है। सेंटेंस है आई वुड लाइक टू टॉक टू वन ऑफ डैश मॉनिटर्स, ओके यहाँ पर ऑप्शन है ए एन एंड द। अब सबसे पहले देखिए मॉनिटर्स लिखा हुआ है तो ये प्लूरल है, तो ए एन तो यूज किया नहीं जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर यूज हो रहा आपका द, तो हो जाएगा आई वुड लाइक टू टॉक टू वन ऑफ द मॉनिटर्स, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज, फाल का आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बताना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होते हैं आपको बता दूं कि जिन्हें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं वो आपको एग्जाम में इन्फिनेटिव के रूप में मिलेंगे या प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, यानी यदि आपसे ये कहा जाता है कि इन्फिनेटिव फॉर्म बताइए या प्रेजेंट सिंपल फॉर्म बताइए, तो इसका मीन्स है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताना है। यदि कभी आपसे ये पूछा जाए कि इस वर्ब का पास्ट सिंपल फॉर्म क्या होगा, तो पास्ट सिंपल का मतलब होता है सेकेंड फॉर्म। यदि ये पूछा जाए एग्जाम में कि आपको इस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताना है, तो उसका मीन्स होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब भी आपसे ये पूछा जाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, तो ये होता है आपका वर्ब में आईएनजी। तो राइट ऑप्शन हो रहा 30 का वो हो रहा आपका सी, ओके तो यहाँ पर आपका सी द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, यदि पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करना जरूर। और इसके साथ साथ यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन में ही इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव पर, और इसमें आपको पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा जो भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पूछा गया था। तो दोस्तों चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।